सहारा प्रणाम। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो 4 चरणों का चुनाव भी संपन्न हो चुका है और उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं 39 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 80 सीटों में सिर्फ 41 सीटें बची हैं। बात कर रहा हूं लखनऊ की, जहां पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। हमारे साथ लखनऊ में लखनऊ की जनता है, प्रबुद्ध लोग हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनका क्या मत है, वो किस आधार पर वोट करेंगे? पिछले 10 सालों से कह सकता हूं कि केंद्र में मोदी की सरकार है और 7 सालों से अधिक समय से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की बात होती है। कितना संतुष्ट है उत्तर प्रदेश की जनता, खासतौर पर राजधानी लखनऊ की जनता, कि यहां पर कितना विकास कार्य हुआ? और विपक्षी क्या कहते हैं, जो अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो क्या कहते हैं, ये सब हम अपने जानेंगे अपने खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे, कितनी उपलब्धि देख पा रहे हैं लखनऊ में, खासतौर पर इस बार क्या लगता है? लखनऊ में लोकसभा का ये पर्व और चुनाव है। इस चुनाव में अपने रक्षा मंत्री देश के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हैं और हम तो पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो जनताओं के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से अपना समन्वय है और जनता के बीच में यही संदेश देना चाहते हैं कि अब की बार 5 लाख पार। ये अपने सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए हम लोगों ने तय किया। राजनाथ जी यहाँ से 10 साल से सांसद हैं, तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, 2014 लड़े, 19 लड़े, 24। कितना विकास लखनऊ में देख पा रहे हैं आप? विकास तो यहाँ की जनता और हम लोग खुद जानते हैं कि चौमुखी विकास है इस क्षेत्र के अंदर, नहीं पूरे हमारे लोकसभा के अंदर। आप जहाँ भी देखेंगे, अब विकास की तो एक श्रृंखला है, एक लिस्ट है कि अगर वो लिस्ट हम लोग गिनाने लगे या बताने लगे तो धरातल के अंदर उसका कोई मानक नहीं बता पाएगा कि कितना चौमुखी विकास हुआ है। लखनऊ के चारों तरफ विकास ही है, पुलों से लेकर आपको सड़कें, पुलें, रोडें, गलियां, लाइटें, पानी की व्यवस्था, सब विकास है। विकास है, मैं इसका जवाब लेता हूं। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ है, कितना विकास है? आप गजी जी कह रहे हैं कि बहुत विकास लखनऊ का हुआ है। विगत 10 सालों से इनके साथ मैं कहूं तो कम से कम 25-30 सालों से इनके सांसद हैं, देश का प्रधानमंत्री यहीं से रहे, गृह मंत्री रहे यहीं से। विकास आप भी, हम लोग सब राजीपुरम को लोग रहने वाले, लखनऊ के रहने वाले, कांग्रेस ने जो परियोजनाएं अपनी दी, चाहे पुल रहो, ऐशबाग पुल से लेकर शुरू करते हम, ये जो बात में जो विकास की बात कर रहे हैं, अभी अपने ये संविधान, हम जो चुनाव जिस चुनाव में हैं हम, वो इस समय एक चुनाव ऐसे, ये देश जो है ऐसे मोड़ से गुजर रहा है कि एक तरफ संविधान बचाओ और एक तरफ संविधान खत्म करो, ये विकास की बात नहीं रही, अब देश बचाने की बात हो गई। ये चुनाव आ गया देश बचाने में। पहली चीज, आप अपना संविधान, भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान जो अभी 75 साल का, जो अभी कल केजरीवाल जी ने कहा है, वही उन्होंने बदल दिया। पहली चीज तो ये संविधान बदलाव की शुरुआत है, संविधान बदलने की जो शुरुआत की गई है, 75 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही संविधान बदल दिया। 75 पार मतलब रिटायर। आडवाणी जी, जोशी जी, सिन्हा जी, जयंत सिन्हा जी, कितने ऐसे उदाहरण है। तो ये 400 पार का जो नारा इन्होंने दे रहे हैं, सब भारत के संविधान बदलने की साजिश है। ये विकास की बात ही नहीं बची, अब देश बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप आम कार्यकर्ता हैं, आप क्या सोचते हैं विकास को लेकर के? देखिए, ऐसा है कि अब नेता जो है थोड़ा सोच बदल गई उनकी। मैंने पुराने नेता भी देखे हैं, मैं नेहरू जी से मिला हूँ किस जमाने में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैंने 1962 में आखिरी दिन का भाषण सुना है, इंदिरा जी से मिला हूँ मैं, दिल्ली में पढ़ता था उस जमाने में, शास्त्री जी से मिला हूँ छोटेपन में, जब 9th, 8th, 9th, 10th में पढ़ता था। तो उन लोगों के जो मैंने विचार देखे और वो देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप समझिए कि अपनी तनख्वाह लेने के लिए मना कर दिया था उन्होंने, 10,000 रुपया तनख्वाह थी शुरू में राष्ट्रपति की, और उनको समझाया गया साहब ये आपकी तनख्वाह है, सिग्नेचर होंगे सब दुनिया भर का, तो बड़े मुश्किल से बेमन से 2,500 रुपया अपनी तनख्वाह का लेना स्वीकार किया था। तो मैं उन नेताओं की वजह से कांग्रेस में हूँ इस समय। और इसी तरीके से लोग परिवारवाद की बात करते हैं, नेहरू जी कम से कम 13-14 साल जेल में रहे, पत्नी टीबी की बीमार, उसी से डेथ हुई थी, टीबी का कोई इलाज नहीं था उस टाइम पे, और बेटी इंग्लैंड में पढ़ रही है, तो उन्होंने क्या झेला नहीं है, कितनी मुसीबतें झेली हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, राजीव जी के साथ मैंने काम किया, राजीव जी बराबर जो है एक आम आदमी के तरीके से लोगों से बात करते थे, डील करते थे बैठ के, तो
और जहाँ तक प्रोग्रेस की बात है, तरक्की की बात है देश की, एक नए नौजवान लड़के घूम रहे हैं, 2016 से एग्जाम हुआ उनका हुआ, आज तक उसके रिजल्ट नहीं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, सबसे बड़ी समस्या देश की लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी बात यह है कि हम चाहे परिवार हो या देश हो, सबको एक साथ लेके हमको आगे बढ़ना होगा, तभी हम ताकतवर बन सकते हैं। अगर आप आपस में फूट डालने की बात करेंगे तो एक दूसरे को तोड़ने की बात करेंगे तो देश भी कमजोर होगा और हम भी कमजोर होंगे हर तरीके से। हमको सबको साथ लेकर चलना होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता दिख रहे, कितना प्रत्याशी आपका मौजूद मजबूत है रविदास मल्होत्रा चुनाव में? बहुत मजबूत है जनाब, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, वो हो सकता है 10-15 हजार से जीत जाए रविदास मल्होत्रा जी। राजनाथ सिंह को हम यहाँ क्या करेंगे, गली कूचे में राजनाथ सिंह आते नहीं है, जहाँ इलीट पब्लिक रहती है राजाजीपुरम एरिया वगैरह वहाँ तो जाते हैं, धूमधाम के चले जाते हैं, ये बावली हसनगंज बावली घियाई यहाँ पे कोई नहीं आता है, यहाँ का कोई सुध लेने वाला नहीं है, नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर जा रही हो किसी वाहन से तो कुछ भी घटना हो सकती है। बावली चौकी के पीछे दो गलियां हैं हमारी, बिल्कुल खस्ता हाल पड़ी हुई हैं और विगत 15 साल से कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, नालियों का न सड़कों का। तो हमारा वोट, हम लोग चाहते हैं कि हमारे आप विकास न होने की बात करें, पर यहाँ पश्चिम से विधायक तो आपका ही है समाजवादी पार्टी का, वो तो अभी हुए हैं, वो अभी मैं 15 साल के पहले तो रेहान भी हुए थे, रिहान भी हुआ था, लेकिन यहाँ का विकास नहीं हुआ है। और जो विकास की बात करते हैं, भैया ने हमारे बताया कि ये पुल बन गया, वो पुल बन गया, ये शहादतगंज से बावली चौकी तक कितना जाम लगता है, सड़क की कोई परवाह नहीं करता है। शहादतगंज चौराहे से करबला की तरफ जाइए, सड़क कितनी खस्ता हाल है, विकास कुछ नहीं किया, विकास चुनिंदा लोगों का किया गया है, जो बड़े बड़े आदमी हैं, धन्ना सेठ आदमी हैं, उनका ही विकास हुआ है, जैसे मोदी अडानी अंबानी इनका ही विकास हुआ है, और लखनऊ में जितने पैसे वाले असर रसूख वाले आदमी हैं उनके क्षेत्रों में विकास करके चले जाते, इतिश्री करते। लखनऊ में असरदार लोगों के यहाँ विकास हुआ है, दिनेश जी कितना सहमत है इनकी बात से? नहीं, अब देखिए, फिर आप जैसे आपने कहा कि यहाँ माननीय हमारे विधायक पश्चिम इस समय आप ही के पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, जब वो यहाँ पे रह के कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप राजनाथ सिंह से क्या आशा करते हैं? बहुत सीधी बात है, 5 लाख पार की बात कर रहे हैं, 5 लाख पार होंगे, हम 400 की बात कर रहे हैं, ठीक है 400 नहीं तो 370 तो हमारे पास है ही है, बहुत सीधी बात है, पूरा 400 है वरना 370 तो मेरे पार है ही है। विकास की जो गंगा बही है पिछले 10 सालों में, आप बता दे लखनऊ में, आप जैसे हमारे भाई ने कहा, आप अगर लिस्ट बनानी शुरू कर देना शायद सुबह से शाम तक हो जाए, लिस्ट पूरी नहीं होगी विकास के कार्यों की। विकास, ये विकास जो है आज लखनऊ को उसने कहां से कहां पहुंचा दिया है। आप हम यही एयरपोर्ट की बात करते थे, क्या एयरपोर्ट था और आज क्या एयरपोर्ट है? हाँ, एयरपोर्ट अब अडानी के नाम हो गया है। अडानी डेफिनेटली है, किसी का विकास करने के लिए हमें किसी ऊपर को जाना पड़ेगा, उनके हाथ में क्या अभी कहीं और कांग्रेस की सरकार है वहां पे अडानी ने अडानी का सहयोग नहीं लिया है योजनाओं में? क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अडानी अंबानी ये सब देखिए, अडानी अंबानी ये सब एक अपना स्टेटस है, अपना एक कार है, हम उनसे अगर कोई कार कराते हैं, हमारे भी ऊपर अगर कोई बैठे हैं मान लिया राजनाथ सिंह, हम भी उनके पास कार लेके जाते हैं कि साहब ये नहीं विकास हो, ठीक है बहुत से ऐसे कार है जो विकास नहीं है, मगर इस समय खाली उस बातों को छेड़ना शायद सही नहीं होगा। हमने जो 10 साल में विकास किया है उस पर आज वोट मांग रहे हैं। 10 सालों में जो विकास किया है उस पर वोट मांग रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? हमारा कहना यह है कि जिस देश में सुई नहीं बन रही थी उस देश में कांग्रेस पार्टी ने एम्स दिया, आईटी दिया, हवाई जहाज के कारखाना एचएएल लगाया, और आज 10 साल से मोदी जी की सरकार है, ये बता दें कि इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसमें जनहित का काम हुआ हो। लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की तरफ जो है ये देश जा रहा है, गरीबी की तरफ ढकेल रहे हैं, और सुरक्षा के नाम पर भी सुरक्षित भी नहीं हिंदुस्तान, संविधान बचाओ किनारे पे कांग्रेस काम कर रही है। ओबीसी दलित के खत्म करने की तैयारी कर रही है बीजेपी, बिना इसके देश नहीं चलेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, 80% लोग हैं इस मुल्क में ओबीसी दलित माइनॉरिटी के लोग, बिना इनके देश चलने वाला नहीं है, चंद लोग जो है 26 लोग इस देश में शासन कर रहे हैं,
उन्हीं के नाम पर है सब। अडानी अंबानी ये लोग जो फाइनेंसर हैं बीजेपी के, इनके कहने से, इनके पैसे से देश नहीं चलेगा, 80% लोगों से ही ये देश चलेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे आप बात करना शुरू करेंगे। आप बताइए किस आधार पर वोट करेंगी और कितना लखनऊ का विकास देख पा रही? हमने तो बहुत विकास देखा है मोदी जी का, और हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और हम लोग सब लोग उनके साथ में हैं, और हमें लग रहा है कि अच्छा से अच्छा वोट जाएगा। अच्छे से अच्छा वोट जाएगा, कितना सहमत आप इनकी बात से, कितना विकास हुआ? ये जी 100% हम लोग श्योर हैं कि मोदी ही आई है, आती रहेगी, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आई, कब किसी ने भी राम निर्माण नहीं किया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और रही विकास की बात, विकास उन्होंने बहुत अच्छे किया। जितना आप साथ दोगे उतना ही विकास होगा, क्योंकि कुछ लोग काटने वाले भी हैं, कुछ लोग बनाने वाले हैं, कुछ लोग बिगाड़ने वाले हैं। जैसे कन्या है कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, पहले जो था कि अरे अल्ट्रासाउंड कराया, बेटियों को खत्म किया। आज बेटी ऐसी है कि बेटियां दुनिया में कम से कम होती चली जा रही है। और शिक्षा के मामले में कहां, स्कूल बच्चे जाने से कतराते थे क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं थी। आज भी बेटी के साथ कोई भी दुर्घटना घटती है, उन्होंने नंबर दे रखा है, आप कॉल करिए, पुलिस सुविधा तुरंत मौजूद है। कहां पुलिस का नामो निशान नहीं था, आने से, पुलिस का सामना करने से महिलाएं डरती थी, लड़कियां डरती थी, आज नहीं डरती हैं। और रही वो बचत की वाली बात है, सुकन्या धन योजना जो मोदी ने चलाई है, जो गरीब से गरीब लड़कियां पढ़ भी रही हैं, शिक्षा की व्यवस्था की है, प्राइवेट स्कूलों में की है, प्लस उनके शादी योग में जो धीरे धीरे लड़कियां 21 साल की होगी, जो विवाह के समय पे माँ बाप को खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज वो उनका विवाह भी अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो महिलाएं योगी और मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं से यहाँ संतुष्ट नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी दिख रहा है, कितना सहमत है इस बार आप चुनाव में, और आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा तो यही है कि हमारे लखनऊ का विकास हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, और पूरे भारतवर्ष का विकास हो रहा है। कहते हैं पश्चिम में क्या हुआ, काला पहाड़ झील बन रहा है, बुद्धेश्वर मंदिर बन रहा है, और क्या कहते हैं आलमनगर स्टेशन बन रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब माननीय राजनाथ सिंह की देन है। इस बार युवा मोर्चा लखनऊ का 4 जून 404 लेके आएगा पूरा। मैं एक अधिवक्ता, लखनऊ में तो 80 सीटें, आप 404 कहां से लाओगे? 404 पूरे इंडिया की, पूरे भारतवर्ष की, पूरे देश की। मैं अमरनाथ यात्रा हर साल करता था, 2004 से कर रहा हूँ। पहले मैं ईंट गुम्मे खाता था, अब क्या है, पूरी रोडें देखिए क्या बन रही है, टनल्स बन रहे हैं, विकास कहाँ नहीं हुआ, हर जगह विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ है। मनोज जी कितना सहमत हैं आप? देखिए ये हमारी भाजपा सरकार है, इसने बहुत गति से हमारे क्षेत्र को और हमारे पूरे भारतवर्ष को इतनी तेजी से गति पे लेके गई है कि जो कभी 70 साल में कभी कांग्रेस कर ही ना पाई। अगर शायद अगर मुझको अगर आधा भी अवसर मोदी जी को मिलता है तो हमारा भारत शायद आज तीसरे पायदान पर बैठने की कगार पर बैठा हुआ है। वो कब प्रथम पे पहुंचेगा, क्योंकि आज पूरे विश्व स्तर पे देखिए जो युद्ध का चल रहा है उस पे भी विराम की उनकी वाणी पर विचार किया जाता है, उनसे विराम किया जाता है, तब उस पे निर्णय लिया जाता है। आज भी इजराइल जब युद्ध पे कर रहा है तो वहाँ पर जितना भी भारतीय हमारा था सुरक्षित पहुँचा है, और किसी की हिम्मत नहीं हुई, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रूस हो अमेरिका हो, पूरे हर बात पर भारत की अनुमति का, आदेश का, निर्देश का पालन करते हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए कि पूरा विश्व आज मोदी जी के साथ है। लेकिन इनका आरोप है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने जितना किया है उतना ही लोग कभी सोच भी नहीं पाएंगे। और जो कांग्रेस ने 400 सिलेंडर दिया था, आज की स्थिति इनसे पूछ लीजिए। नगर निगम की हाल है कि पानी गंदा आ रहा, 4 दिन पहले हम लोग तक कहते थे पानी इतना गंदा आ रहा, बदबू वाला पानी आ रहा। कर्मचारी जो बिजली विभाग के हैं वो दिन भर मीटिंग करते हैं, शाम को जो कोई पूछने वाला ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं। और यहाँ पे जो अभी देखिए आप गए होंगे, अगर यहाँ क्षेत्रीय रहे होंगे तो देखिए वो जो एरम कॉलेज से लेकर के और ये खिन्नी चौराहे तक इतनी बुरी हाल है कि पूछे नहीं, आज तक वो रोड नहीं बनी। और क्या विकास की बात करते हैं ये लोग जो है, ये अपनी स्मृति ईरानी से पूछे विकास की बात, इसमें तिनारी से पूछे। मैं फिर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के पास लौटना चाहूंगा। आप विकास जी बताइए, आप व्यवसायी भी हैं, कितना विकास देख पा रहे हैं और इस बार वोट का आधार आपका क्या होगा, क्या सोच के वोट करेंगे? मेरा ये कहना है कि माननीय राजनाथ सिंह जी विकास पुरुष हैं, विकास उन्होंने जो किया लखनऊ के अंदर सभी को दिख रहा है,
आने वाली 20 तारीख को इसका निर्णय भी हो जाएगा और रिजल्ट में दिखेगा कि क्या कार्य हुए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे पुल वगैरह जो बनाए गए जितने भी माननीय सांसद जी के कोटे से बने हैं और बहुत अच्छा विकास हुआ है और अच्छा कार्य कर रही है बीजेपी। राजनाथ जी ने काफ़ी काम किया है पिछले 10 सालों में लखनऊ को लेकर के, खासतौर पर तमाम पुल बने हैं, तमाम विकास की बातें हुई हैं। अजय जी आप बताइए क्या सोचते हैं आप, कितना विकास हुआ और वाकई में ये जो बात विकास विकास की हो रही है इसी विकास पर ही चुनाव हो रहा है या चुनाव का रुख जो है मंगलसूत्र सुहाग और दूसरी तरफ जा रहा है? मैं तो भैया यही कहना चाहूँगा, जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो कि सरकार में बिल्कुल नहीं मिल पा रही। गलियां सड़कें सब टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। स्वीपर से कहते हैं सफाई करने के लिए तो कहता है कि मेरे पास तो ना जा तो झाड़ू है ना पंजा है, वो काम कहाँ से करे। कोई सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता है। जनता को चाहिए मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा अच्छी चाहिए, शिक्षा अच्छी चाहिए, लेकिन ये सब मिलता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे राजनाथ सिंह जी की लोग यहाँ पर बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हमें कोई एक व्यक्ति बता दे उसको व्यक्तिगत क्या फ़ायदा हुआ, उसके परिवार के बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ, हमें बता दें उनकी आय बढ़ गई हो, उनकी आय बढ़ गई हो। यार जैसे कि राम मंदिर की बात हुई, ठीक है हम भी धार्मिक आदमी, हम भी हिंदू हैं, मानते हैं राम को, लेकिन राम मंदिर बनने से हमको क्या फ़ायदा हुआ? नेता लोग जाते हैं VIP दर्शन करते हैं, जनता कैसे जाती है दर्शन करने? मर के जाती है दर्शन करने, परेशानियां उठा के जाती है। तो कहने का मतलब है जनता को क्या फायदा? केवल इन नेताओं को फायदा है, जनता को कोई फायदा नहीं है। कोई एक बता दे, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता हूं, ना मैं सपा की, ना मैं कांग्रेस की और ना मैं BJP की, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता हूं, लेकिन अगर देश चला रहे हो, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, तो जनता के हित की बात करे। इनके बच्चे, हमें कोई एक नेता बता दीजिए जिसका बच्चा हिंदुस्तान में पढ़ा हो, जो चिकित्सा हिंदुस्तान में कराते हों, सब यहाँ की चिकित्सा और शिक्षा को ये लोग कहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि ना तो इनको इनकी यहाँ की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जरूरत केवल जनता को है चिकित्सा और शिक्षा की, जो ये उपलब्ध कराना ही नहीं चाहते हैं। मैं किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करता हूँ, मैं केवल जनता का समर्थन करता हूँ। जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज भी मेरे साथ चलिए, मैं 50 ऐसी सड़कें दिखा दूंगा, मैं ऐसे 100 लोगों से मिलवा दूंगा जो आप जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और बेचारे परेशान हैं। कटी जी इनके ये जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए, BJP नेताओं ने एक नाते। हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनके विषय में क्या बताऊं कि थोड़ा सा इनको जो है ज्ञान की कमी है, ठीक है, और बीच में अगर बोलना चाहते हैं तो अच्छा बोले, थोड़ा सा अच्छा लगता है। कहते हैं चौमुखी विकास, अरे विकास तो हर गलियों में दिख रहा है। ये 100 आदमी का 50 का दिखाएंगे, मैं 5,000 आदमियों से आपका मिलवाता हूँ। एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में ना बोलिए प्लीज प्लीज। मैं आपसे मैं केवल, आप भी अपना उत्तर दीजिएगा, आपको समय मिलेगा, आप अपना उत्तर दीजिएगा। सुनिए, और रही रही चिकित्सा, चुप रहिए, आप केवल आलोचना करने आए हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहे हैं ये स्वास्थ्य की बात है। आप देखिए हर मोहल्ले में, हर कलियों में एक आयुष्मान के क्लिनिक खुला हुआ है। इनको संज्ञान है? नहीं है। चलिए, आपको संज्ञान नहीं है, आप बैठिएगा, आप यहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछिएगा। सुविधाएं गलियों तक की हैं, सड़कें गली दो चार छोटी होंगी, 70 साल की गलियां हैं, ठीक है, सुनिए, और सब सिस्टम पे काम हुआ है, माने या ना माने। अब रही यहाँ पर सुविधाओं के लिए, अब झाड़ू नहीं मिलता है, पंजा नहीं मिलता है, भाई साहब इतनी बड़ी आबादी में दी। मैं भी गजी, एक सवाल मेरा है, नगर निगम में आपका कब्जा, सरकार आपकी केंद्र में उत्तर प्रदेश में, आखिर इनका जो सवाल है वो जायज नहीं है क्या? भाई साहब बिल्कुल जायज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जायज नहीं है, मैं जरूर ये कहता हूँ कि कुछ सरकारी तंत्र हमारे जो है निरंकुश हैं, लेकिन उनको भी हम लोग लाइन पे ला रहे हैं। देश को हम लोग संभाल रहे हैं, प्रदेश को संभाल रहे हैं, हम लोग प्रदेश को संभाल रहे हैं। विधानसभा हमने स्वच्छ करी है, विधानसभा हमने सजाई है, हमारी विधानसभा के अंदर जो जो कार्य हुए हैं, शायद लखनऊ की और विधानसभाओं में कार्य हुए हों, लेकिन कहते हैं कि समाज में काम नहीं हुआ। यही समाज में आप रहते हो, कोठारी बंधु पार्क नहीं था, यहाँ पर कोठारी बंधु पार्क बना, ये हमारे श्री रामलला के भक्तों को बना, पार्क से भी एक यादगार है जो जीवन में नहीं हुआ, जहाँ पर स्मृतियाँ। आपका क्या मुद्दा होगा, किस आधार पर आप वोट करोगे, आप बताओ। विकास हुआ नहीं, अगर विकास की जो लोग बात करते हैं, तो मैं लखनऊ पश्चिम की बात कर रहा हूँ,
जो इसे कह रहे हो हर गली मोहल्ला, चलिए मेरे साथ मलपुर, तस्मीराबाद, पत्राबाद, आदर्श नगर, संगम सिटी, बुद्धि विहार, भट्टा मऊ, मायापुरा, एक मिनट भाई, मैं आपको उसमें बोला नहीं हूँ, सुन लीजिए भैया, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ। इस गर्मा गर्म चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ पर जो आम जनता है, जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ की प्रबुद्ध जनता है, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता है, यहाँ के लोग हैं, जिनसे बात कर रहा था कि आखिर वो वोटिंग किस आधार पर करेंगे, उनके वोट करने का आधार क्या होगा, चूंकि 20 मई को मतदान होना है, अब कुछ दिन ही बचे। हमारे साथ यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आप बताइए किस आधार पर आप वोट करेंगी, क्या सोचकर वोट करेंगी? काम बहुत अच्छा योगी जी मोदी जी कर रहे हैं, वोट उन्हीं को देंगे। लेकिन एक मेरी शिकायत है कि स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं कमी है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो या कोई गरीब जाता है, कोई सुनवाई नहीं, तो इलाज ठीक से नहीं हो पाता उसको, आयुष्मान कार्ड बेकार है, आप लेके जाइए। तो थोड़ा सा उस तरफ ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है, अगर स्वास्थ्य है तो आदमी की जिंदगी है, तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सब कुछ अच्छा, विकास अच्छा है, विकास अच्छा है। आयुष्मान कार्ड केंद्र की मोदी और योगी सरकार बनवा रही, लेकिन सही मायने में उसका फायदा नहीं मिल रहा, जैसा कि इन महिला कहना है। आप बताइए महिला सुरक्षा को लेकर के कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है महिला सुरक्षा से, शिक्षा विभाग से भी बहुत संतुष्ट है। जो कि गरीब बच्चे होते हैं उनको RTE के माध्यम से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, और प्राइवेट स्कूल में अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाती है। ये मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, हम तो मोदी जी के साथ हैं। शिक्षा को लेकर के भी महिलाएं संतुष्ट हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के भी संतुष्ट हैं। महिलाओं ने तमाम सवालों के जवाब दिए, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, तमाम सवालों के लिए वो संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है? जैसे ये बहन ने हमारी कहा कि बच्चों को, जो बच्चे हो पैदा हो रहे हैं उनको सरकार सुविधा दे रही है। अभी 2 महीने पहले एक महिला का हमने जो है कुनमैरी में उनको भर्ती हुई थी, उनके यहाँ लड़की बेटी पैदा हुई, तो उसका फार्म हमने भरवाया। आज 4 महीने हो गए, उस फार्म की कोई ना मैसेज आया ना कोई उस पर रिप्लाई मिला, और 2 महीने के बाद में कह दें 6 महीने तुम्हारे पूरे हो गए, लड़की का पैसा और जो है वो मिल गया। बस ये है, कागज के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी चल रही है, कागज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चली, ऐसा इनका कहना। लेकिन निश्चित तौर पर सरकारी लोकतंत्र में, सरकारी फीताशाही में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हीला वाली है, और जिस बात को बीजेपी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ आप हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस आधार पर आप वोट करेंगे, क्या सोचते हैं इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग के बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है, तो युवाओं की तो बात होगी नहीं, सिर्फ बात होती है मंदिर और मस्जिद, मंगलसूत्र और हिंदू और मुसलमान पे। 80-20 का मतलब क्या है? ये मुसलमान भाई हैं, उनकी पार्टी में भी, मेरे पार्टी में भी हैं, तो हम लोग भाई भाई हैं। यहाँ 80-20 का कोई मामला ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, क्या हम किसी को नहीं जानते? ये हमारे भाई हैं, चचा हैं, भाई सभी लोग हैं। तो हम लोग ये चाहते कि किसी के बच्चे हो उनको नौकरी चाहिए, पढ़ाई अच्छी चाहिए, और पढ़ाई के लिए अगर हम मंदिरी गए, यहाँ भी मंदिर बना, हम भी इसी कॉलोनी में रहते हैं 30 साल 10 साल, मतलब रेहान रहे हों वो भी हैं, अरमान भाई भी हैं, लेकिन यहाँ कोई आया नहीं। ना हम इनकी फेवर की बात कर रहे हैं, ना अपने फेवर की। हम लोग की गली है ये 25 साल से हुआ, सड़कें रोज़ बन रही हैं, 6-6 महीने पे सड़कें बन रही हैं, और 4-4 इंच ऊँचा हो रहा है। आप देख लीजिए यहीं बगली में सना, यही हाल है हमारा, इसी ये विधायक जी रहते थे, पीछे हमारा मकान है। 30 साल से यहाँ सीवर की इतनी दुर्दशा है, पानी यहाँ भर जाता है, अगर 5 मिनट पानी भर जाए तो आप गलियों में जा नहीं सकते, कपड़े उतार के अंडरवियर में चलेंगे आप। ये विकास है इनका, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मंदिरी से सबकी रोजी रोटी, मंदिर में 2 ही आदमी जाते, एक भिखारी और एक पुजारी, तो हम लोग, हम बताते हैं इन लोगों से, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं ये लोग। निश्चित तौर पर आपका अपना सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे अनिल जी, किस तरीके से चुनाव किस तरफ मुड़ रहा है, क्या विकास की बातें हो रही हैं या चुनाव दूसरी तरफ जा रहा है, आप मंदिर मस्जिद की बात और ध्रुवीकरण की बात हो रही है? केवल मंदिर मस्जिद और ध्रुवीकरण की बात हो रही है, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे कोई मुद्दा नहीं रहा है। चाहे भाजपा के जितने भी शीर्ष नेता हैं, केवल मंदिर मस्जिद
और क्या कहते हैं मंगलसूत्र, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान देश में क्या आज की स्थिति है? कल जो दवाई का 10 का पाउच आता था 160 रुपए का, आज 360 रुपए का है। महंगाई चरम पे है। जो जहां का अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा था, मोदी जी ने कहा कि मैं भी 500 का दूंगा। सरकार आते ही वहां की पेंशन बंद कर दी गई, वहां पे सिलेंडर तुरंत वही 850 रुपए का फिर आम आदमी को मिल रहा है। तो महंगाई चरम पे है। मुद्दे कोई नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम के बिहाफ पे देश नहीं चल सकता। महंगाई की बात नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है, आपसे बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि चुनाव वाकई में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पे हो रहा है या कुछ और बातें हो रही हैं? भैया महंगाई तो हर सरकार में रहेगी और रही है, वो लोगों का नजरिया होता अपना अपना, वैसे वैसे आपका इनकम के स्रोत भी बढ़ते जाते हैं। और रह गया आगे की ओर, जो पिछली सरकार रहती उसमें एक को बांटो और दूसरे को डांटो, आज वो समानता दिखाई पड़ रही कि ना किसी को डांटना ना किसी को बांटना, सबको समान अधिकार मिला, सबको समान सुविधा मिल रही है, सबको सब कुछ मिल रहा है। और रह गया लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद भिखारी की बात करते हैं, तो कल भगवान ना करे जब वो बीमार पड़े तो अल्लाह का ही नाम ले, अल्लाह का ही नाम ले, क्योंकि उन्होंने एक को भिखारी एक को समझो ना बीच के आदमी को छोड़ दिया है। अगर जो बोलते हैं वीआईपी बोलते हैं तो वीआईपी बनने के काबिल बनो, वीआईपी बनने के काबिल, वीआईपी का भी प्रोटोकॉल होता है, अगर प्रोटोकॉल के विरुद्ध काम करता है तो पूरी जगह पे बवाल मच सकता है, उसको संभालने के लिए प्रशासन ही आगे आता है, समझे ना। तो इसलिए कहना गलत होता, हम तो कहते विकास हो रहा है और पूर्ण विकास कहीं नहीं हो सकता है, विकास हो रहा है और आदमी को सुविधाएं मिलती, देश का मान बढ़ रहा है और लोगों की इनकम की स्रोत बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। आप किस आधार पर वोट करेंगे? आप भी वोटर हैं, किस सोच के वोट करेंगे? हमको देखो अमन शांति का माहौल मिला है, मैं वोटिंग उसी को करूंगा, बस मुझे कुछ नहीं करना। जो सबका अमन और शांति का माहौल मिला है देश और प्रदेश में, इस आधार पर वोट करेंगे। हमारे साथ आप भी हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हैं, तो वोट बीजेपी को ही करेंगे? जी बीजेपी को करते आ रहे हैं शुरू से हमेशा। लगता है बीजेपी ने वाकई में काम किया है? अरे बहुत काम किया है, आज से यहाँ के लोग तो कह रहे काम नहीं हुआ है। अरे बहुत काम हुआ है, इनका नजरिया देखने का अलग है भाई साहब। ये 10 साल पहले आज बता लें, आज 10 साल बाद जो है काम हो रहा है, जितने चरम सीमा पे जो है हमारे रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, नए नए अस्पताल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये सब विकास ही विकास तो दिख रहा है चारों तरफ। हमारे योगी मोदी जी ने बहुत विकास ही विकास दिख रहा है जी। विकास चुनिंदा क्षेत्रों में है और माना चुनिंदा क्षेत्रों में है, लेकिन दलित बस्तियों में जाके देखिए जो गरीब लोग जहाँ रहते हैं, गरीब मुसलमान दलित रहते हैं, वो बिल्कुल बीजेपी सरकार में उनका बहिष्कार कर दिया है, उनका काम उनकी तरफ काम ही नहीं करवाया जा रहा है। दलित बस्तियों में कोई काम नहीं हुआ है, दलित बस्तियों में काम नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? पुजारी लग रहे हैं, राम मंदिर बनने से कितना फर्क? फर्क तो बहुत बड़ा है और इस फर्क में देखिए हमारी जो सोच है, हम आपको बताते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने सफाई अभियान को जो है शुरुआत किया था। उसी दौरान इन्होंने इस विकास में एक और कड़ी जोड़ी, जैसे कि जन जन लोगों के वहाँ जो है इन्होंने शौच घर की जो है व्यवस्था करवाई। आप लोग यदि देखना चाहेंगे इन सभी कार्यों को, तो आप लोगों को लगेगा कि आज तक के जितने भी ये जो प्रधानमंत्री लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास सत्ता की पावर है, इन सभी के राज्यों में ऐसा विकास कहीं देखने को नहीं आया है कि बड़ी बड़ी जो नदियां थी हमारी, गंगा गोमती, आज देखिए जाके इनका सबका जल कितना स्वच्छ कितना सुंदर हो गया है, इंसान उठा करके चरणामृत बना करके पीता है। ये सब विकास नहीं है तो और क्या है? विकास नहीं तो क्या है? आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के कि किस आधार पर वोट करेंगे? और वाकई में विकास विकास की बात हो रही, विकास हुआ है और विकास और सुरक्षा को देख के वोट करेंगे। माताएं बहनें सुरक्षित 12 बजे रात को कहीं भी निकल सकती हैं, कहीं कोई क्राइम नहीं है और कोई भय नहीं है, कैसे भी जाएं कैसे भी। क्राइम नहीं है, भय नहीं, सुरक्षा को देकर के। एक सवाल आपसे, आपका वोट देने का आधार क्या हुआ, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? देखिए देश का विकास सबसे सर्वोत्तम है और आज 10 साल में जो
चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे विदेश नीति हो, या जिस स्तर पर लीजिएगा वो अपनी चरम सीमा, जैसे रोजगार की बात आ रही है, रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक ढांचा बनाया गया है, आज से 2-3 साल बाद आपको देखने को मिलेगा कि रोजगार यहीं पर मिलेगा आपको, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपके अंदर कुवत है अगर, तो बाहर जाने के बजाय आप जो है लखनऊ में देखिए डिफेंस कॉरिडोर कितने बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जोर दिया जा रहा है, तो विकास होगा और महंगाई। चलते एक सवाल आपसे भी, आपको क्या लगता है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके भी भाई भतीजे हैं, अगर वो चाहते तो उनके घर के जितने सदस्य सांसद मंत्री विधायक सब होते, मगर उन्होंने कहा अपनी मेहनत अपनी काबिलियत से आप आगे बढ़िए। ये कोरोना काल का दिन था, ये जो देश में सरकार बनी है माननीय मोदी जी की, ठीक है, इसको मैनेज करना कोई आसान बात है? 10-20 साल आदमी पीछे चला जाता है, लोग कह रहे हैं महंगाई महंगाई तो सबके सरकार में आती है, इस चीज को माइनस किया, महंगाई सबके सरकार में आती है। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो लखनऊ लोकसभा से जुड़े हुए लोग हैं, लखनऊ पश्चिम विधानसभा से आते हैं, सबका अलग अलग मत है, पार्टी कार्यकर्ताओं का अलग अलग मत है, लेकिन एक बात होता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में 20 मई को होने वाले 5वें चरण के मतदान में लखनऊ की जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, चाहे वो वोट किसी भी पार्टी को किसी भी नेता को दे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए सारा समय, कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ मैं रजत सिन्हा।